उधर देशभर में अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्य कोहरे की चादर में लिपटे हुए हैं। सुबह के समय घने कोहरे के कारण लोगों को खराब विजिबिलिटी के कारण यातायात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिनों के दौरान हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के लिए घने कोहरे का अलर्ट जारी किया। तस्वीरें भी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 जगहों की ये तस्वीरें हैं, हरियाणा के बहादुरगढ़ की, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के मोगा और यूपी के अंबेडकर नगर की तस्वीरें, जहां पर इस सीजन की ये धुंध जो है वो पड़नी शुरू हो चुकी है। कल से इसकी शुरुआत हुई थी, आज दूसरा दिन है और अब लगातार कई दिनों तक घने कोहरे का सामना लोगों को करना पड़ेगा। इस वजह से काफी दिक्कतें लोगों को अब आ रही हैं, क्योंकि इससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है, वाहनों की रफ्तार धीमी हो रही है। और वही हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता विपिन ओंकारा जुड़ गए हैं। विपिन, जरा बताएं, जिस तरीके से अब इस सर्दी में कोहरा कल से ही हम देख रहे हैं कि पड़ना शुरू हो गया है और काफी ज्यादा दिक्कतें लोगों को उठानी पड़ रही है, ऐसे में क्या कुछ तस्वीर देख पा रहे हैं, कितनी विजिबिलिटी वहां पर है और कितनी परेशानी लोगों को इस वजह से उठानी पड़ रही है? जी बिल्कुल प्रीति भाई जी, बताना चाहूंगा कि अभी जैसे कि अभी पूरा दिसंबर का आधा महीना बीतने वाला है और नया साल भी आने वाला है, उसको लेकर लोगों को लग रहा था कि इस बार सर्दी नहीं पड़ेगी, लेकिन 15 दिन के बाद से जो सर्दी का आलम है बढ़ रहा है और कल से जो है धुंध बहुत ज्यादा हो रही है। अगर हम तस्वीरों में देखें तो हमारी विजिबिलिटी जो है सिर्फ 50 मीटर तक रह गई है और अभी मौसम विभाग द्वारा भी जो चेतावनी दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में, 1-2 दिनों में अच्छी बारिश होने की भी संभावना और इससे सर्दी जो है बढ़ रही है। और मैं सभी खबर पास देखने वालों से यही अपील करूंगा कि आप सुबह जब भी घर से निकले तो पूरी सावधानी बरतें, अपने वाहन को जो है बहुत धीरे से चलाएं क्योंकि धुंध का प्रकोप बहुत ज्यादा है, अपनी गाड़ी को तेज ना चलाएं और सेफ यात्रा करें। जी बिल्कुल, और क्योंकि अब किसान कहीं ना कहीं परेशान थे, धुंध नहीं पड़ रही थी फसलों के लिए, लेकिन अब धुंध पड़ना शुरू हो गई है तो फसलों के लिए अब कितना फायदेमंद इसे माना जा रहा है और किसान कितने खुश हैं अब? जी बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, क्योंकि अभी गेहूं की जो बिल्कुल बुझाई जो है और पूरी गेहूं जौहरों पर शुरू हो जाती है तो गेहूं के लिए तो अच्छी रहती है ये, और बाकी दूसरी जो फसलें हैं सब्जी वगैरह उन पर थोड़ा सा नुकसान पड़ता है, लेकिन फिलहाल इसका कोई ज्यादा असर नहीं देखने को मिल रहा फसलों पर। जी जी शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए इस तमाम जानकारी के लिए। तो लोगों की मुसीबतें ज़रूर यहाँ पर बढ़ गई हैं, लेकिन उनकी सावधानी उनके हाथ में ही है और वाहनों को ध्यानपूर्वक चलाएं, पूरी सतर्कता बरतें, जल्दबाजी ना करें क्योंकि विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम है, तो ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है और इसका जो है यातायात पर भी काफ़ी असर देखने को मिल रहा है, रेल सेवाएँ इससे प्रभावित हो रही हैं।